जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल रविंद्र विश्वास आईटी में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीलिंक की तरफ से आने वाले राउटर DIR M600M। इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन और इसको किस तरीके से हम लोग यूनिवर्सल रिपीटर मोड में यूज़ में ले सकते हैं वो देखेंगे। ये राउटर कुछ इस तरीके से आता है, और जब भी आप कोई पुराना राउटर यूज़ करें तो ध्यान रखना, तो आपको उसके IP उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा या तो IP पता नहीं हो तो आपको उसको रीसेट करना होता है। आप देख पा रहे होंगे इसका मॉडल नंबर DIR 600M, और उसके अलावा यहाँ पे IP लिखा हुआ है। ये 0.1 की सीरीज़ में है इसकी IP। D-Link के सभी राउटर के IP 0.1 की सीरीज़ में आता है, और यहाँ पे इसके आप देख पा रहे होंगे पूरा मॉडल नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है। साथ में इसमें एक वैन पोर्ट और 4 लैन पोर्ट मिल जाता है, साथ में एक पावर बटन और एक रीसेट बटन, जो कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे सामने। यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है ये रीसेट बटन। कभी भी अगर आप नया राउटर यूज़ करो तो वो तो ऑलरेडी रीसेट आता है, पर अगर आप पुराना राउटर यूज़ कर रहे हो तो उसको एक बार रीसेट करना है। सिंपली इसमें एक पिन यूज़ कर लेना, पिन यूज़ करके उसको 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना। 10 सेकंड के बाद जैसे आप उसको प्रेस करके उसको हटाओगे तो सामने जितने भी आपके यहाँ पर लाइट है LED लाइट्स, ये एक साथ ब्लिंक करेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने इसको प्रेस कर रखा है। अब जैसे ही मैंने इसको हटाया आप देख पाएंगे सारी लाइटें एक साथ चालू हो गई, तो इसका मतलब आपका राउटर रीसेट हो चुका है। जब आपका राउटर रीसेट हो जाए फिर इसके बाद हम लोग आपको मोबाइल में इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे। तो मोबाइल में सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके मोबाइल में जाके इसका जो वाईफाई आएगा वो DLink DIR 600M के नाम से आएगा, जो अनलॉक्ड आएगा। और जैसे आप उस पर क्लिक करोगे वो कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आपको सिंपली क्रोम में जाना है। क्रोम में जाके आपको इसका IP डालना है 192.168.0.1। जैसे आप ये IP डालोगे कुछ इस तरीके से आपके सामने ये लेआउट आएगा। DHCP में रखना है, और यहाँ पे जाके आप इसका जब आप देख पा रहे होंगे नीचे यहाँ से आप इसका पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको अपने हिसाब से रखना। तो आप देख पा रहे हो मैं इसका नाम भी चेंज कर रहा हूँ यहाँ से, जैसे देख रहे हो आप इसमें मैंने माई इंटरनेट लिख दिया और पासवर्ड में 123 कोट ऐड कर रहे हो। इसको सेव और कनेक्ट करूँगा, तो जैसे मैं इसको सेव कर दूँगा तो थोड़ी देर के लिए मेरा ये वाईफाई यहाँ से बंद हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अभी भी कनेक्टेड दिखा रहा है, पर एक बार रिस्टार्ट होने के बाद वो हट जाएगा वहाँ से। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नीचे माई इंटरनेट लिखा हुआ आ गया, और D-Link वाला भी अभी भी लिखा हुआ आ रहा है, पर ये थोड़े देर में ये भी गायब हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, माई इंटरनेट जैसे आपने जो भी नाम दिया उस पर क्लिक करके उसका पासवर्ड डालना है। आप देख पा रहे होंगे इसमें माई इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है। फिर से मैं यहाँ पे IP डालूंगा 192.168.0.1 क्रोम में, दोबारा जाके उसको यूनिवर्सल रिपीटर मोड में करना, और यहाँ पर कोई पासवर्ड नहीं मांगना आपसे, आपको सिंपली लॉगिन करना है। तो कुछ इस तरीके से लेआउट आएगा, आप सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पे वायरलेस लिखा हुआ है, एडवांस लिखा हुआ है। तो आपको सिंपली वायरलेस रिपीटर मोड करना है, तो आपको करना क्या है, सिंपली इसमें आपको वायरलेस में जाना है। तो वायरलेस में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की तरफ, यहाँ से आप बाकी इसका जो SSID नाम उसके अलावा पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आपको देख पा रहे होंगे वायरलेस रिपीटर लिखा हुआ, उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको इस पर टिक लगा के सर्वे शुरू कर देना है। साइट सर्वे जैसे ही करोगे आप, तो एक दो बार क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक वो सर्च हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे ये टाइम मांग रहा है कुछ सेकंड्स का, ये सेकंड जैसे ही ख़त्म होगा आपके सामने ये नाम आएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरा जो वाईफाई का नाम है वो आ रहा है फास्ट फाइबर। मैं इसमें क्लिक करूँगा और इसको नेक्स्ट में कर दूँगा। नेक्स्ट करते ही मेरे से पासवर्ड पूछेगा, तो जो भी आपका वाईफाई का पासवर्ड हो आप वो पासवर्ड डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने वाईफाई का पासवर्ड डाल दिया है और उसको अब नेक्स्ट कर दूँगा, और एक बार नेक्स्ट करना रहेगा मेरे को। अब ये मेरा राउटर रिपीटर मोड में कनेक्ट हो गया है।
जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा एक बार बंद होके फिर चालू होगा। तो एक बार आप दोबारा वाईफाई को जाके कनेक्ट कर लेना अपने मोबाइल पे। ये मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये मैंने माई इंटरनेट दोबारा कनेक्ट कर लिया है। तो माई इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद आपको क्रोम में जाना है। क्रोम में जाके आप अपना इंटरनेट स्पीड चेक कर सकते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे आपको इंटरनेट स्पीड चेक करके दिखा रहा हूँ कि देख लिए पा रहे होंगे आप उससे कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए माई इंटरनेट से अभी भी वाईफाई कनेक्टेड है, मैंने गो कर दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें वायरलेस रिपीटर मोड के थ्रू ये कनेक्टेड हो चुका है। तो इसी तरीके से आप YouTube वगैरह चला के भी इंटरनेट को चेक कर सकते हैं। ये कुछ सिंपल प्रोसेस है, सिंपल स्टेप्स है जिनको आप फॉलो करके अपने जो डीलिंग के राउटर है उनको यूनिवर्सल रिपीटर मोड में काम में ले सकते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप इंटरनेट सारे चालू हो चुके हैं। बस यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।